गगन ने की दिव्या की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। दिव्या की फोटो पर चढ़ाया हार, फोटो को शेयर कर दिखाया अपना दर्द। टीवी अभिनेत्री दिव्या भटनागर का 7 दिसंबर को कोविड-19 के कारण निधन हो गया था। उनके निधन के एक दिन बाद उनके करीबी दोस्त दिवोलीना ने इंस्टाग्राम वीडियो में खुलासा किया था कि उनके पति गगन उन्हें मारते थे। बाद में दिव्या के भाई ने भी गगन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। वहीं अब दिव्या के पति ने हाल ही में गुरुद्वारा से एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें दिव्या की फोटो फ्रेम को एक मेज पर रखा हुआ है। तस्वीर में गगन को प्रार्थना करते हुए देखा जा सकता है। गगन ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में टूटे हुए दिल लगाए। आपको बता दें कि गगन ने दिव्या के परिवार के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। गगन ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें गगन और उनकी पत्नी दिव्या की तस्वीरें थी। गगन ने उन तस्वीरों की तारीख चेक करने को कहा था। वेल, हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान दिव्या की आत्मा को शांति दें।